बहुत इजी होती है, फटाफट बन जाती है। इसको बनाने की चीज़ें जो हैं वो चीज़ें ये हैं, आधा किलो मैंने छोले लिए हैं, उसे मैंने लेट नाइट भिगो दिया था, अब मैंने इसे धो लिया। और इसके अंदर जो मैं चीज़ें डालूंगी वो चीज़ें ये हैं, 1 टीस्पून मैं नमक डालूंगी और थोड़ा सा मैं फूड कलर डालूंगी, इससे इसका कलर अच्छा आएगा। और 1/2 टीस्पून मैं बेकिंग सोडा डालूंगी इसके अंदर। और ये मैंने 2 मीडियम आलू लिए थे, इसे मैंने छील के कट कर लिया है, इसके अंदर मैं ये आलू भी डाल दूँगी। और अब मैं इसके अंदर ये पानी डाल रही हूँ और मैं इसे प्रेशर कुकर में बनाऊँगी, और आप चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं इसे। जी मैं इसके अंदर पानी और डाल रही हूँ, इसे मैं बहुत अच्छा सा गलाऊँगी, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छे गले हुए छोले अच्छे लगते हैं। और मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ, और साथ में इमली की चटनी बनाऊँगी और पापड़ी भी बनाऊँगी। पहले मैं ये छोले बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इमली की चटनी बनाने रखूँगी। जी व्यूअर्स, अब हम पापड़ी का आटा गूंथते हैं, हम छोलों के साथ पापड़ी भी बनाएंगे। एक तरफ हमने छोले बॉईल करने रख दिए हैं, अब हम पापड़ी बना रहे हैं। ये मैंने 3 पाव मैदा लिया है और 1 टीस्पून मैंने अजवाइन लिए और 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है। और ये जो ये 3 चमचे मैं मेल्टेड घी के डालूंगी, 3 बड़े चमचे मेल्टेड घी के डालूंगी भर के। 1, 2 and 3। आप 1 पाव लेंगे तो उसमें 1 पाव में 1 चमचा ये घी का जाएगा मेल्टेड, आधा किलो लेंगे तो आधा किलो में 2 चमचे जाएंगे ये डोंगे के भर के मेल्टेड घी के। अब मैं इसमें अजवाइन डालती हूँ, साथ में मैं नमक डालती हूँ, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ की मदद से। और फिर इसमें हम पानी डाल के गूंदेंगे, हमें जितना पानी की ज़रूरत होगी उस तरह से हम पानी डालेंगे। आटा हार्ड गूंदता है ज़रा, ये अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हार्ड गूंदेंगे, इसकी डो बिल्कुल हार्ड बनाएंगे। और ये जो आटा है हम आलू के समोसों के लिए भी इसी तरह से गूंदेंगे और पापड़ी के लिए भी इसी से गूंदेंगे, इसी तरह से गूंदेंगे हम इसके आलू के समोसे भी बनाएंगे थोड़े से और पापड़ी बनाएंगे इसी डो से। हम इसे सब गूंदेंगे थोड़ा। जी मैंने इस तरह से ये गूंदा है हार्ड करके ना, इसमें पानी कम कम डाला है, इसी तरह से गूंदिएगा आप भी, हल्का हल्का पानी डाल के, इससे इसमें क्रिस्पीपन आएगा। अगर आप नरम कर देंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगी पापड़ी और ना ही समोसे क्रिस्पी बनेंगे। जी व्यूअर्स, ये आटा इस तरह से हो गया है बिल्कुल, हमने बहुत अच्छे से हार्ड से कर लिया। और हम इसे थोड़ी देर और गूंदेंगे और हम इसे तकरीबन 1 घंटे रेस्ट देंगे, फिर हम इसकी पापड़ी बनाएंगे बेल के। इसे थोड़ी देर हम और गूंदेंगे। जी ये आटा बहुत अच्छे से गूंद गया और हम इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इसकी पापड़ी बनाएंगे। और अब हम इमली की चटनी बनाएंगे, मीठी इमली की चटनी है। मैंने 1 प्याली इमली ली है और इसे मैंने पानी में भिगो दिया है। आप जो बाज़ार से पैकेट में मिलती है इमली की इमली वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये मैंने कटारे वाली इमली ली है। इसे मैंने पानी में अच्छी तरह धो के भिगो दिया है। अब मैं इसका पल्प अलग कर लूँगी और इसमें ये 1 टीस्पून चाट मसाला जाएगा, चुटकी भर काला नमक है और थोड़ा सा रेगुलर नमक है, और ये सॉल्ट पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ये लाल मिर्च पाउडर है। ये सब इमली के पल्प में जाएंगे। और 1 प्याली मैंने चीनी ली है। पहले मैं इमली का पल्प अलग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अगला काम करेंगे। ठीक व्यूअर्स, ये मैंने इमली का पल्प अलग कर लिया इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा। अब मैं इस पैन में ये इमली का सारा पल्प डाल दूँगी, साथ ये सारे मसाले डाल दूँगी, काला नमक, लाल मिर्च, नमक रेगुलर और ये सॉल्ट पाउडर, सब कुछ डाल के हम पकने के लिए रख देंगे। ये चटनी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है, समोसे से और छोलों से हर चीज़ से पकौड़ों से बहुत मज़े की लगती है। 1 प्याली मैंने चीनी ली है, थोड़ी सी मैंने बचा ली है। ऐसे हम पकने के लिए चूल्हे पे रख देंगे, जब ये पक जाएगी तो मैं इसमें
कॉर्नफ्लोर डालूंगी थोड़ा सा। जी मीठी चटनी मैंने रखी थी, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है और बहुत अच्छे से ये पक चुकी है। अब मैं इसमें 2 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, ये इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल करके इस चटनी में डालूंगी। जैसे बाज़ार में होती है कॉर्नफ्लोर वाली मीठी चटनी, उस तरह से मैं बना रही हूँ। मैंने 2 टीस्पून डाला है इसमें, कॉर्नफ्लोर ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसको हल्का सा डालेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी और हम इसे पकाएंगे। जी व्यूअर्स, चटनी इस तरह से गाढ़ी हो गई है, इसके अंदर शाइन भी आ गई और ये इसकी थिकनेस देख लें, इस तरह से होना चाहिए और ये ठंडी होके और गाढ़ी होगी। बहुत मज़े की बनी है, चटपटी सी है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी लगती है छोलों की चाट के साथ। जी व्यूअर्स, चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है और यहाँ छोले भी गल चुके हैं अच्छे से, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे गले हैं सही। और यहाँ मैंने आटा भी 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया रख लिया है मैंने भून के, और यहाँ मैंने छोटे छोटे पेड़े बनाए। अब मैं इनको बेल के और हम फिर फ्राई करेंगे पापड़ी, और मैदा लगा के हम इसको बेलेंगे इस तरह से, छोटे छोटे बड़े बनाएंगे और हम इसे हल्का हल्का मैदा लगा के बेलेंगे बिल्कुल एक सा। अब मैं ये फॉक की मदद से इसमें इस तरह फोल्ड करूंगी ताकि ये फूले ना और अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इनको हम साइड में रखते रहेंगे, मैं आपके सामने एक और बेल के दिखाते हैं इसी तरह से। आप इस तरह हम करेंगे, बस मैंने इसको इस तरह फॉक की मदद से आगे पीछे दोनों तरफ से कर लिया ताकि ये फूले ना और अच्छी तरह इसे फ्राई हो जाए और क्रिस्पी बने। अब मैं इसे ऑयल में फ्राई करती हूँ, हल्की आंच में करेंगे बिल्कुल, सादा तेज तेल पे नहीं करेंगे, हल्के तेल में करेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, हम इस तरह से पापड़ी फ्राई कर रहे हैं हल्की आँच पर बहुत ज़्यादा, और इसका लाइट गोल्डन कलर आ गया है। थोड़ी देर में हम इसको निकाल लेंगे, इस तरह से लाइट गोल्डन कलर हो जाएगा और क्रिस्पी और थोड़ी सी और हो जाए फिर निकालेंगे हम। ये तमाम पापड़ी अच्छे से फ्राई हो गई है, मैं इन तीनों पापड़ी इसको निकाल रही हूँ और बाकी जो रह गई है मैं उनको फ्राई करूँगी अच्छा सा लाइट गोल्डन। जी व्यूअर्स, ये पापड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल खस्ता बनी है, इस तरह से देखें। आप लोग किस तरीके से बनाइएगा, बहुत इजी रेसिपीज है, लेकिन कितनी खस्ता बनी है। जी मैंने 1.5 पाव दही लिया है, इसमें मैं 2 टेबल स्पून चीनी डालूंगी। हम इसे मीठा दही बनाएंगे और अच्छे से फेंट लेंगे हम। हमारी चाट छोलों की बिल्कुल रेडी हो गई है, बस इसकी गार्निशिंग बाकी रह गई है, हम आपके सामने वो भी करेंगे। जी व्यूअर्स, अब सब कुछ रेडी हो गया, मैं इसको फाइनल कर रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर प्याज डालती हूँ छोलों के ऊपर, जैसे स्टॉल पे होते हैं मैंने उस स्टाइल में बनाए छोले ये। इसके बाद मैं हरा धनिया डालूंगी, हरे धनिया से बिल्कुल कवर कर देंगे हम। और ये आलू जो बचे हुए हैं मैं ऊपर से ये आलू भी डालूंगी इसके ऊपर। जी लास्ट में मैं इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क रही हूँ, इससे बहुत मज़े का लगेगा ये।
अब ये बिल्कुल रेडी हो गए। अब हम इसको सर्व करके दिखाएंगे, दही और सेव और पापड़ी के साथ ऊपर से अनारदाना डालेंगे। यहाँ से मिक्स करेंगे और हम इस प्यालों में निकालेंगे इनको। ढाबा स्टाइल में बनाया है मैंने। इसके बाद मैं दही डालूंगी इसके ऊपर, मीठा दही। और अब हम पापड़ी डालेंगे इसके ऊपर। अनार दाना डालेंगे। इमली की चटनी, सेव, ऊपर से हल्का सा दही और डालेंगे हम। चाट मसाला लास्ट में, और ये यम्मी सी चाट तैयार हो गई है। जी व्यूवर्स, चाट बिल्कुल रेडी है। मैंने सारे प्याले बना लिए हैं, बहुत यम्मी बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।